Hey guys, welcome back to my channel. So from today onwards, I'm thinking of making my blog in Hindi. Just let me in the comment box like what you guys would like to hear from me, like English or Hindi. So anyway, today I'm gonna start in Hindi blog. तो आज है थर्सडे एंड बाहर आप लोग देख पा रहे हो कि ये है मेरा वाइल्ड पेट. एक्चुअली हम लोग इसको घर में रख नहीं सकते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा आ जाते हैं खाने के लिए. तो ये लोग भी हम लोगों का लाइक फैमिली मेंबर की तरह हो गया है. ये एक छोटा वाला एक रैबिट है एंड और पहले जो था एक बड़ा स्क्विरल था एंड उस बड़े वाले स्क्विरल का एक बेबी भी है, वो भी आते हैं. तो ये सारे के सारे इधर ही आते रहते हैं. मैं देती हूँ बर्ड फूड एक्चुअली बर्ड के लिए, लेकिन ये लोग मतलब वो बर्ड से ये देखिए ये छोटा वाला जो आ गए बस एक एक करके. तो इसी चक्कर में मैं इन लोगों को अभी थोड़ा पीनट्स भी देती हूँ. तो अभी मैं अंदर जाके रेडी होंगी क्योंकि मुझे जाना है बाहर. तो हम लोग जा रहे हैं अभी फ्रेडमायर की तरफ क्योंकि अर्दित के लिए अभी स्कूल सप्लाइज ख़रीदनी है और उन लोगों का स्कूल भी शुरू होगा नेक्स्ट महीने से. तो फॉर दिस काइंड ऑफ स्कूल राइट, हमेशा शुरू होने से पहले वो लोग सप्लाइज का लिस्ट दे देते हैं. तो पहले से ही वो सब लिस्ट देख के हम लोगों को सामान खरीदने पड़ता है और फिर वो सामान एक बैग में या किसी में डाल के फिर स्कूल में सबमिट करना पड़ता है. लेकिन इस बार तो स्कूल है नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि घर में ही खरीद के रख लेती हूँ. अगर स्कूल खुलेगा तो उसको साथ भेज दूँगा, नहीं तो घर में अगर उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी चाहिए तो यूज़ करना पड़ेगा राइट. तो आज मैं वही थोड़ा देखी थी लास्ट वीक के, थोड़ा डिस्काउंट चल रहे हैं तो मैं सोचा आज जाके देख लेती हूँ और ख़रीद के लाती भी हूँ. तो हम लोग पहुँच गए हैं फ्रेडमायर. तो इधर से मैं अपना कर्ट ले लूँगी. ये इधर से लेने के बाद थोड़ा इसको डिसइनफेक्टेंट से वाइप भी करना पड़ता है. तो इसको लेके मैं हम लोग अंदर चलते हैं. तो ये रही एंट्रेंस फ्रेडमायर का. एक दिन पहले भी मैं शायद वो वुमेन सेक्शन का मैंने दिखाया था, तो आज मैं सोचा ये थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ जहाँ भी मैं जा रही. तो ये है वेजिटेबल सेक्शन. तो आप देख सकते हो कि कितना फ्रेश है. ऑल द वेजिटेबल्स आर वेरी फ्रेश एक्चुअली. एंड ये रही फ्रोजन सेक्शन. अगर कोई भी फ्रोजन फूड चाहिए जो कि आप घर पे रख सकते हो, स्नैक्स वगैरह, तो फिर बच्चे हंगरी हो तो आप ऐसे इमीडिएटली माइक्रोवेव में डाल के या पैन फ्राई करके भी दे सकती हो. तो ये सब बहुत ही इजी हो जाता है. और वो सामने जो दिख रहा है वो है एक्चुअली मीट सेक्शन. तो अभी ये रही पेस्ट्री पाइज ऑल दोस फ्रोजन सेक्शन. चीज केक देयर वर लॉट ऑफ वैराइटीज ऑफ डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग डेजर्ट. मैं भी थोड़ा घूम घूम के देख लेती हूँ. मैं एक्चुअली इधर से पाप पेस्ट्री भी ली थी, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था. तो अभी हम लोग आ गए हैं जिसके लिए हम लोग आए थे एक्चुअली स्कूल सप्लाइज़ के लिए. तो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ कि स्कूल सप्लाइज़ में ये लोग कैसे रखते हैं. तो ये देखिए सारे के सारे चीज़ें जो भी मतलब स्कूल में आते हैं राइट, इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, वही सब ये लोग एक साथ अरेंज करके रख लेते हैं. जैसे कि इन लोगों को सीजर चाहिए होता है, ग्लू चाहिए होता है, फिर वो सेलो टेप वगैरह वो सब चाहिए होता है. जो जो भी मतलब लिस्ट में आएगा तो ये सब शायद इन लोगों को भी भेज देता होगा. तो ये सब सारे के सारे बहुत सारे क्लासेस है तो सबके डिफरेंट डिफरेंट रहता है राइट. तो सबको मुझे लगता है सबका मतलब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये लोग सारे के सारे एक ही साथ रख लेते हैं. उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला चाहिए. तो ये देखिए कितना सारा ग्लू का बॉटल है, क्लियर ग्लू, स्कूल ग्लू, बहुत सारे हैं. नीचे फाइल फोल्डर बहुत सारे, ग्लू स्टिक्स बहुत सारे हैं. इधर जो देख रहे हैं ये सब सारे के सारे लंच बॉक्सेस है, जिसको हम लोग टिफिन बॉक्स बोलते थे. लंच बॉक्सेस है, ब्रांडेड भी है, वाटर बॉटल है, बहुत सारे हैं. ये सब देख के मुझे भी स्कूल जाने का मन करता है. पहले पहले जब स्कूल जाते थे ना, न्यू टिफिन बॉक्स बुक्स बहुत अच्छे लगते थे तब. तो अभी देख के मुझे भी लग रहा है कि इसके लिए भी दो तीन, लेकिन अभी तो स्कूल जाएगा नहीं, ये सब खरीद के कोई फ़ायदा भी नहीं है.
वो सामने देखिए स्कूल बैग और चॉकलेट का भी शायद हैलोवीन के लिए अभी से ही आना शुरू कर दिया चॉकलेट्स। तो ये रही सारे के सारे कॉपी बुक्स, इधर बहुत सारे ये जो कॉपी बुक्स हैं इनमें से भी थोड़ा कुछ ब्रांड भी रहता है, तो स्कूल में वो भी बोला दिया जाता है कि उसका वो कॉपी लेना है, तो हम लोगों को वही सिलेक्ट करना पड़ता है। मतलब पता नहीं आप अगर दूसरा सिलेक्ट करो तो भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख देता है तो हम लोग वही लेके आ जाते हैं घर पे। तो ये रही कलर पेंसिल, क्रेयॉन्स, मतलब बच्चे को जो चाहिए राइट कलरिंग के लिए। फिर डिफरेंट टाइप का मार्कर, वॉशेबल मार्कर, ये वो बहुत बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा एक रो है, बस इसी डिफरेंट टाइप का यही सब चीज़ें रहती है इधर। पेन पेंसिल वो सारे के सारे स्कूल बैग से, ये सारे के सारे कॉपी बुक से, उधर भी थोड़ा थोड़ा मतलब ट्रे करके सब कुछ रखा हुआ है। इधर भी कितने सारे स्कूल बैग्स, इधर भी है हाइलाइटर एंड देन शायद कुछ पेंसिल्स, देन सीज़र, मतलब हर जगह पे थोड़ा थोड़ा करके ये लोग रखा है। तो मुझे भी तो एक पेंसिल चाहिए, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं मतलब ले रही। तो अभी मेरा हो गया, अभी हम लोग जाएंगे बाहर, मतलब घर की तरफ जाएंगे चेकआउट करके। तो फिर ये रही सारे के सारे चीज़ें, तो चलते हैं घर की तरफ। तो मैं घर में भी आ गई, देखो मेरे हस्बैंड ने खाना बना के रख भी दिया है, राइस बनाया है, फिर इधर ऑरेंज चिकन बनाया एंड उधर और एक चिकन भी बनाया है, ये थोड़ा स्पाइसी टाइप का चिकन बनाया है उसने, शायद चिकन 65 बनाया है। और ऑरेंज चिकन अर्दित को एक्चुअली बहुत पसंद है। और इधर ये ब्राउनी भी बना के रखा हुआ है, तो बहुत सारे चीज़ें उसने बनाई। तो हम लोग फिर लंच कर लेंगे, पहले मैं दिखा देती हूँ क्या लाए हूँ। तो ये रही देखिए क्रेयॉन्स, ये है एक प्लास्टिक का क्लिपबोर्ड एंड देन 3 फोल्डर्स, एक कॉपी बुक, पेंसिल, ग्लू स्टिक, पोस्ट इट, बहुत सारे चीज़ें हैं, पता भी नहीं कौन सा काम में इन लोगों को यूज़ करना पड़ेगा ये सब। स्कूल ग्लू, मैं एक सनस्क्रीन का एक बॉटल भी लेके आ गई, उधर था डिस्काउंट में, मैं सोचा रख लेती हूँ। तो ये सारे के सारे चीज़ें मतलब मैं लेके आ गई हूँ। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को मैं एक बिन बिन बॉक्स के अंदर डाल के फिर अर्दित के रूम में कहीं ऊंचे जगह पर उठा के रख दूँगी, नहीं तो अर्दित को तो मतलब अभी देखेगी तो अभी यूज़ खोल के यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें इसके अंदर मैं एकदम से सब रख लेती हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं भी ऊपर चली गई थी सारे के सारे काम निपटा के, अभी नीचे जा रही हूँ, थोड़ा बाहर पानी डालना है एक्चुअली ग्रास पे, क्योंकि येस्टरडे नाइट मैंने डाली नहीं थी, तो मैं सोचा आज पानी डाल लेती हूँ बाहर। तो पीछे भी थोड़ा बहुत पौधा पेड़ पौधे हैं, मतलब थोड़ा सा प्लांट की हुई हूँ, तो वो सब भी है, तो सोचा जाती हूँ फिर मैं। लेकिन मेरा चप्पल इधर है नहीं, तो शायद गैरेज के उधर खुला हुआ है, मैं उधर से ले कर फिर निकलती हूँ। तो मैं इधर से अपना चप्पल लेके बाहर, आप लोग देख सकते हो कितना सनी है, मतलब इतना धूप निकलता है इस टाइम पे। तो ये मेरा छोटा वाला फ्रंट यार्ड है, थोड़ा सा ही ग्रास है लेकिन वो भी धूप में जल जाते हैं।
तो इधर आर्दित भी थोड़ा पानी दे रहे हैं मेरे साथ। उस दिन एक्चुअली ये मुझे पूरा भिगा दिया था, पता नहीं बहुत दांत पड़ी थी फिर अंदर चले गए। तो इधर मेरे हस्बैंड भी एक बाहर से, मतलब अर्दित के लिए एक कंप्यूटर का मॉनिटर और एक चेयर भी लेके आ गए, क्योंकि उसका स्कूल शुरू होगा तो वो लैपटॉप से ज़्यादा वो बड़े वाले मॉनिटर पे देखेगा तो उसके लिए भी थोड़ा सा इजी होगा, नहीं तो आई के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। तो वो जाके आज वो भी खरीद के लेके आ गया। ये रोज़ेस भी बहुत ही अच्छी है एक्चुअली। ईच समर में मुझे लगता है 4-5 टाइम ये रोज़ेस आते हैं, झड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फिर से आते हैं, मतलब जितना दिन तक विंटर ना आए। यही है जो कि पहले आ जाता है, ये जो रेड रोज़ेस दिख रहे हो, और फिर विंटर आने तक ये उधर रहते हैं, मतलब सारे के सारे सूख गए, फिर से आते हैं थोड़े से पत्ते के साथ। तो मेरा तो इस साइड का पानी देना हो गया, तो मैं अभी जाके उस साइड, मेरा एक होस है एक्चुअली वो स्प्रिंकलर है, तो मैं वो जाके ऑन कर दूंगा, तो कॉमन एरिया का जो ग्रासेस है उधर चले जाए, मतलब पानी देना शुरू हो जाएगा। तो इधर मैं थोड़ा सा पीस, फिर पोटैटो, ये रही ग्रीन चिली, फिर गार्लिक, सारे के सारे पौधे मैं थोड़ी थोड़ी करके इसी बार लगाई हूँ। लेकिन इधर समर, मतलब गर्म की जो सीज़न है वो बहुत ही कम होती है, तो ये मतलब प्लांट लगाती हूँ फिर वो बड़े ही होते हैं, फ्रूट्स बहुत कम दिखने को मिलता है। बस पोटैटो अच्छे से हो जाता है, लेकिन बाकी सारे के सारे, मतलब मैं पहले भी एक दो बार चिली लगाई थी लेकिन हुआ नहीं। तो ये देखिए इस साइड का जो है, इधर एक स्प्रिंकलर है, मेरे उधर भी एक है लेकिन वो अभी तक मतलब पाइप से जुड़ा नहीं हुआ है, तो हाथ से ही दे लेती हूँ, लेकिन इस साइड का अभी तक है तो मैं ये ऑन कर देती हूँ। ये स्प्रिंकलर बहुत ही मस्त है एक्चुअली। बच्चे जब अगर खेलते रहते हैं राइट, तो बहुत गर्मी में वो लोग भी इधर पानी के अंदर खेल लेते हैं थोड़ी बहुत। तो अभी हो गया मेरा उस साइड का, मैं टाइम देख ली हूँ 10-15 मिनट डाल के, फिर मैं वो जाके ऑफ कर दूँगी। और फिर बाहर एक्चुअली वो बर्ड के लिए वो फीड भी, मतलब फूड भी लगनी है, तो मैं थोड़ा सा बर्ड फूड लेके मैं उसकी ढक्कन बंद कर देती हूँ, नहीं तो बर्ड एक्चुअली इधर बैठ नहीं पाता है, और स्क्विरल हमेशा उसको ओपन कर करके खा लेती हैं। तो मैं अभी जाके ये स्प्रिंकलर वाला ऑफ़ कर देती हूँ, नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है मैं ऑन करके भूल जाती हूँ, फिर पता नहीं 3-4 घंटा चलता रहता है, फिर कोई अगर बोलता है कि हाँ मेरा स्प्रिंकलर ऑन है तो फिर मैं जाके बंद करती हूँ, नहीं तो मैं उधर ही छोड़ जाता है, तो इसीलिए मैं बंद कर दिया। मैं अभी थोड़ा सा पानी दे दूँगी बाहर एक्चुअली। कभी कभार स्क्विरल ना, मेरे हस्बैंड एक दिन मुझे बोला था कि स्क्विरल शायद वो पानी के लिए टैप के उधर कुछ मतलब थोड़ा सा पानी गिरा था स्पिल करके, तो उधर से चाट रहा था या कुछ, तो बोला कि थोड़ा सा पानी भी रख लिया करो। तो मैं यही एक पुराने वाला बाउल में इधर पानी। तो आज का काम अभी तक ख़त्म हो गया, तो फिर बाहर बच्चे खेल भी रहे हैं तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा। ये देखिए सारे के सारे बबल के साथ खेल रहे हैं। तो अभी तो रात का भी खाना वो जो चिकन था तो उसी में ही हो जाएगा, बहुत सारा था। सो आज का ब्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।